नीट का पेपर लीक होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और शिक्षा मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। युवक कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल रमन दीप कंबोज के नेतृत्व में कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्र हुए। उन्होंने यहां केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान राहुल कंबोज ने कहा कि देश की भाजपा सरकार युवा विरोधी है। आए दिन पेपर लीक घटनाओं से बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उत्तराखंड में भी कई बार युवाओं को पेपर लीक की मार झेलनी पड़ी है। देश में बहुत ही उग्र आरोप है, छात्रों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। नीट की परीक्षा, जिस तरीके से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, बच्चे परेशान है। इतनी महंगाई के समय में बच्चे कैसे कैसे करके एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि नीट का एग्जाम लीक हो जा रहा है। तो आज हमने यहाँ मुख्य चौराहे पर धर्मेंद्र प्रधान, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, उनका आज पुतला फूंका है और उनसे आज मांग की गई है कि इसकी उच्च शिक्षा, इसकी उच्च सुनवाई हो और इसकी जाँच हो, और उनसे इस्तीफे की मांग करी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।